इस अजयगढ़ विकास खंड में धर्मपुर में धर्मपुर के पास रमजूपुरा है, जिसमें विद्यालय में लगातार करीब 5 वर्षों से मध्याह्न भोजन की समस्या बनी हुई है। यहाँ आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता के पति द्वारा मध्याह्न भोजन का कार्य संचालित किया जा रहा है, जिसमें 6 रसोइया पद हैं, परंतु उन रसोइया पदों को 100-100 रुपए दे करके उनकी राशि निकाल ली जाती है, उनके द्वारा निकाल ली जाती है, और वहाँ के छात्रों को मध्याह्न भोजन भी नहीं बना करके खिलाया जा रहा है। यह कभी मंगलवार को खाना बना करके देते हैं, हफ्ते में 1 या 2 दिन। इनका नाम मंगल सिंह है। यह इनका कहना है कि मेरा नाम मंगल सिंह है, मैं मंगलवार को ही समूह से खाना दूंगा। मध्याह्न भोजन आपको मिल रहा है? खाना मिल रहा है? अभी नहीं मिल रहा, कल से नहीं मिल रहा। कल से नहीं मिल रहा, तो इसके पहले जो मिलता था वो सही मिल रहा था? जो बोर्ड में लिखा है, मंगल को खीर पूरी नहीं मिलती थी। 28/6/2014 को मैं आया था आपके विद्यालय, तो उसमें मैंने देखा कि यहाँ ताला लगा था रसोई घर में और मध्याह्न भोजन नहीं बट रहा था। तो अब क्या स्थिति है यहाँ की? बीच में एक तारीख से चल बनता रहा, हाँ, जुलाई में 1 जुलाई से खाना बनता रहा, हाँ, और कल और आज फिर बंद रहा। कल और आज बंद रहा, ये बंद किस कारण से रहा? समूह का निरस्त होना, वो जो पहले वाला समूह था, हाँ, उसका खाना बनाने वाला कार्यक्रम बंद होने की वजह से नए समूह को मिल गया, हाँ, वो कह रहा कि मैं बनाऊंगा, मुझे बनाने दूंगा, हाँ, इस वजह से नए समूह के लिए आदेश हो गया। ये कौन सा समूह है? जय माता साक्षात जब से स्कूल खुला है नहीं मिला है। बनाने वाले नहीं आए? अच्छा, बनाने वाले समूह वाले नहीं आए? अच्छा, तो ये कब से यहाँ मध्याह्न भोजन देना शुरू करेंगे? लगभग 15 अगस्त से। यहाँ के छात्रों को काफी परेशानी आ रही है, जिससे विद्यालय और आंगनवाड़ी के छात्रों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा है, यह एक टाइम भूखा रहना पड़ता है। मैं यह वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करता हूं कि यह सुनवाई के लिए विकास खंड अधिकारी श्रीमान नेमा जी, जिनका मोबाइल नंबर है 94-25-16-81-76, इन पर दबाव बनाए और मध्याह्न भोजन सुचारू रूप से संचालित कराएं। मैं लक्खू प्रसाद पन्ना, जिला से, इंडिया नहर के लिए।